वेरी वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज के लिए हम टॉपिक आपके लिए आए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट, पहले हम चर्चा कर लेते हैं आज कितना तारीख है, 26 अप्रैल। ओके स्टूडेंट, आज की तारीख क्या है, 26 अप्रैल। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में लाए स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन न्यूमेरिकल, जो कि मेरा एक क्लब यूट्यूब चैनल है, अखिला बार के जी में स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में लाए स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके स्टूडेंट न्यूमेरिकल। तो जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट होता है। और ये कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई मार्केट में बराबर होता है। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो इस कंडीशन को, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और ये वही कंडीशन सिचुएशन है जब हम किसी भी मार्केट में गुड्स और सर्विस की प्राइस डिटरमाइन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का, कल हम थ्योरी चर्चा की थी स्टूडेंट, आज हम इसका न्यूमेरिकल रिलेटेड पॉइंट चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज हम इसका न्यूमेरिकल पॉइंट रिलेटेड चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो डिमांड एंड सप्लाई, ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इससे बेस हम सभी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट, अगर हमसे प्राइस डिटरमिनेशन संबंधित पूछा जाए या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके स्टूडेंट, तो मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, अगर डिमांड किसी भी गुड सर्विस की 3P-6 हो और सप्लाई का रेट हो, तो प्राइस फाइंड आउट करिए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे लेट इक्विलिब्रियम पोजीशन, सिंस तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है। क्या स्टूडेंट, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। तो डिमांड दिया है 3P-6 और सप्लाई 18, सो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 24/3 8। ओके स्टूडेंट, तो हमारा प्राइस क्या होगा है, अर्थात जिस गुड्स एंड सर्विस का डिमांड और सप्लाई स्टूडेंट्स 3P-18 दिया है, उसका मार्केट में प्राइस क्या होगा, 8 रुपीज़ पर यूनिट। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए किसी भी गुड सर्विस के मार्केट में डिमांड 8P-8 दिया है, सप्लाई 8 है, तो उसका मार्केट में प्राइस क्या होगा स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन है, सिंस इक्विलिब्रियम पोजीशन डी बराबर एस, 8P-8 बराबर 8, वैल्यू रखेंगे इक्वल करेंगे पी कट पिट करके 2, तो उस गुड्स से सर्विस की प्राइस 2 रुपीज़ पर यूनिट होगी स्टूडेंट, जिसकी मार्केट में डिमांड 8P-8 और सप्लाई 8 होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन या प्राइस डिटरमिनेशन या डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और अगर आपको मेरे ये चैनल वीडियो पसंद आए हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर इसे बहुत अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फ्रेंड्स को जो कहीं भी व्हाट्सअप या FB पे जुड़े हैं और इसे बहुत अच्छा पसंद, तो इसे प्लीज़ मेरे लाइक को, शेयर को, अगर आप चाहते हैं मैं आपको ऐसे वीडियो रोज़ देता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके स्टूडेंट, और जैसा कि मेरे इस YouTube चैनल एकलव आरजी का मेन मोटो स्टूडेंट यही है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत आएगा तो एडवांस चीज़ें मजबूत हो ही जाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी भी कंपटीशन जैसे सी बैंक, रेलवे, अदर एंट्रेंस एग्जाम, कंपटी एग्जाम की अगर तैयारी प्रिविशन में लग गए, तो वहाँ पर वे सारे क्वेश्चन इन, अगर इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इन बेसिक चीज़ से पूछता है, और वो सारे क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज़ से संबंधित होता है। अगर हम इकोनॉमिक्स से पूछने वाले क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आपके इस बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है स्टूडेंट, तो आपके इकोनॉमिक्स में एडवांस चीज़ भी मजबूत हो जाएगा, जो आपको कमसन और एकेडमिक में बहुत ही फायदेमंद। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने चर्चा के बेसिक, अब हम इसी को इंग्लिश में चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी लर्नर्स हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें लगता है इंग्लिश मीडियम के, तो उन्हें इंग्लिश में भी इस बात को समझ, जो समझना पसंद करते हैं, समझ में आए। ओके स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक था इकोनॉमिक्स पे स्टूडेंट इकोनॉमिक पोजिशन, आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल, क्योंकि कल हम थ्योरी चल गई, आज न्यूमेरिकल। तो प्राइस डिटरमिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक पोजिशन इज द पोजिशन इन द मार्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, एंड व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक पोजिशन, बिकॉज ऑन दिस पोजिशन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस कैन बी डिटरमाइंड। ओके, सो वी हैव द सम एग्जाम्पल न्यूमेरिकली ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वलिंग पोजिशन आर प्राइस डिटरमिनेशन रिलेटेड। सो लेट डिमांड ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस गिवेन 3P-6 एंड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस गिवेन 80, सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस। सो वी विल सॉल्व इट यूजिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स डिमांड एंड सप्लाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्मूला इन इकोनॉमिक्स। सो लेट डी इज गिवन 3P-6 एंड सप्लाई इज गिवन 80, सो मेक इक्वेशन सॉल्विंग वी हैव पी इज इक्वल टू 28, सो हियर इज पी इज इक्वल टू 8 रुपीज, सो पी इज इक्वल टू 8 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दैट पार्टिकुलर गुड्स इन द मार्केट पर यूनिट। सो द प्राइस ऑफ
पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस इज 8 rupees पर यूनिट इन द मार्केट, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट गुड्स. सिमिलरली वी हैव सेकेंड अदर एग्जाम्पल, लेट डिमांड इज गिवेन फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस डी एट पी माइनस एट एंड सप्लाई इज गिवेन फॉर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस एस बराबर एट एंड वी हैव टू फाइंड आउट प्राइस. ओके शेयर, सो सॉल्यूशन वी यूजिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, डी इज इक्वल टू एस, यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एस एट पी माइनस एट वर्क एंड मेकिंग इक्वेशन वी हैव सॉल्विंग पी इज इक्वल टू टू, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स सर्विस 2, सो पी इज इक्वल टू 2, सो हियर पी इज द 2 विल बी द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट विल बी 2 rupees पर यूनिट. ओके सेम, सो ओके सेम, टुडे वी हैव डिस्कस इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यूमेरिकल फार्मूला एंड एग्जांपल रिलेटेड टॉपिक्स. सो एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क टू मी स्टूडेंट्स. ओके, सो इफ यू लाइक माई दिस वीडियो एंड चैनल, सो प्लीज like, and if you like very much then you can share, if you like much more then you can subscribe my this channel video, and to share your all friends wherever you are linked to your friend on Facebook or WhatsApp, so that my subscription and likes and views may be increased. So please share and subscribe my this channel video. The main motto of my this YouTube channel Ekla Bark is that make your basic concept clear. I believe if your basic concept is clear, then your advanced topic and concept will be strong and clear. Because if you are preparing for the competition just like SSC, Bank, Railway, so I hope so that in that exam, if we are talking about the economics, so the question are asked related to this basic concept in that competition, if we are asking about the economics. So please, if you have basic concept clear on this basic concept in economics, then I hope so you can clear and solve the question which are asked in that competition related to this basic concept. So please make a strongness on basic concept, so you can understand and make strongness on your advanced topic which are asked in competition or any academic exam. So okay students, so today we have discussed economics, equilibrium position, numerical. So tomorrow we will see you with next topic with new idea in economics. Till then, bye.